अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट टैफल, जो कि 15 से 20 लोगों के लिए मुझे बनाना था और बहुत ही टेस्टी बना था। वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसके बाद मुझे ट्रीट भी मिला था। तो भाई की ऑफिस में थी वन डिश पार्टी, तो उन्होंने कहा कि मुझे फ्रूट टैफल बना के दें। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए थी, सबसे पहले हम बोले ने आए उसके लिए जी, हमें जो चीज़ें चाहिए थी उसमें था फ्रेश फ्रूट भी, जैसे एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये हमने जो है फ्रेश ये भी ली थी। उसके अलावा टिन भी मैंने यूज़ की थी, और उसके अलावा दो फ्लेवर की जेली थी, और वनीला का कस्टर्ड था रफान का, और सेवइयां थी, और भी काफ़ी चीज़ें जो है मैं अपनी भी ले रही थी। कि भाई को कह रही थी कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जाहिर सी बात है कमीशन तो लेनी है ना। और यहाँ पे जी टिन ले रही थी मैं फ्रूट टैफल के लिए। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन सी टिन ले। तो जी ये हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट। इसके अलावा जी रस्ते में मैंने चाय भी पी और समोसे भी खाए, जाहिर सी बात है अब फ्री में तो नहीं बना के दे रही ना, तो नखरे भी दिखा रही थी मैं। और शाहीन के समोसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं हैदराबाद के। आप अगर हैदराबाद विज़िट करें तो वो समोसे ज़रूर खाइएगा। और इंशाल्लाह मैं अदर ब्लॉग्स भी ऐसे जो हैं वीडियोज़ बनाऊँगी जहाँ पर मैं हैदराबाद के फूड के बारे में आपको बताऊँगी। और उसके बाद हमने शाहीन से जो है मिल्क भी लिया था, मिल्क भी शाहीन पर जो है ज़्यादा अच्छा मिलता है शाहीन डेयरी से। तो वहाँ से हमने 4 किलो मिल्क लिया था। और मैं सुबह 6 बजे उठी थी फ्रूट टैफल बनाने के लिए, क्योंकि सुबह ऑफिस के टाइम जो है भाई को लेके जाना था सुबह 8 बजे, तो मुझे 6 बजे उठना पड़ा था। और रात को अगर मैं बना के रखती तो वो वाला टेस्ट नहीं आता उसमें, इस वजह से मैं सुबह 6 बजे उठी। और सबसे पहले हमने किया दूध को गर्म। यहाँ पे जो है पहले मैं इलायची भी डालती थी, मतलब कस्टर्ड बनाने के लिए। अब मैं इलायची नहीं ऐड करती, आई डोंट नो क्यों, मुझे इलायची अच्छा नहीं लगता, तो पहले डालती थी, अब मैं इलायची यूज़ नहीं करती। यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए मैंने रखा, उसके बाद ही मैंने जो है दूसरी साइड से जेली बनाना स्टार्ट की। तो ये दो फ्लेवर की जेली मैं लेके आई थी। और जी इग्नोर बैकग्राउंड वॉइस, पता नहीं आज गली के बच्चों को क्या हो गया है, रोज़ शाम को ऐसे ही शोर होता है। और यहाँ पे मैंने 3 कप जो है, नहीं 2 कप मैंने चीनी इसमें ऐड की। उसके बाद आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेक करके फिर जो है दूसरी चीनी ऐड करिएगा। यहाँ पे मैंने 2.5 कप चीनी इसमें ऐड की थी। और अब जी मैं वनीला का कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ, रफ़ान का, नेशनल का भी आता है लेकिन रफ़ान का ज़्यादा अच्छा है, तो वो मैं आपको कहूँगी कि वो आप यूज़ करें। और यहाँ पे पहले मैंने 6 टेबल स्पून इसमें कस्टर्ड ऐड किया था, फिर भी जो है मुझे कम लगा, तो मैंने 4 टेबल स्पून कस्टर्ड और इसमें ऐड किया। तो मिल्क मैंने जो है 1/2 kg निकाल के रखा था कस्टर्ड में डालने के लिए, कस्टर्ड उसमें जो है मिक्स करने के लिए। और उसके बाद मुझे बाद में जो है कस्टर्ड कम लग रहा था, तो मैंने दोबारा से ऐड किया और चीनी भी दोबारा से ऐड की थी। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कस्टर्ड भी ऐड करें और चीनी भी। और कस्टर्ड हमें जो है ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। और यहाँ पे ये 1/2 कप में सेवइयां बॉयल कर रही थी। तो जी यहाँ पे कस्टर्ड हमारा तकरीबन तैयार हो चुका था, अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। और उसके अलावा सेवइयां भी बॉयल हो चुकी थी, सेवइयां ऑप्शनल हैं और आप चाहें तो ऐड करें चाहें तो ऐड ना करें। यहाँ पे मैंने फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट भी काट के रखा हुआ था, एप्पल थे और फ्रेश फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एप्पल, बनाना, ग्रेप्स ऐड किए थे, और 1 टिन जो है मैंने फ्रूट का लिया था। और इसमें क्रीम भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, लेकिन मैंने क्रीम ऐड नहीं की। और 1/2 कप मैंने बॉयल सेवइयां ली थी, 4 से 5 बनाना, उसके अलावा ये ग्रेप्स, 2 जो है पैकेट मैंने इस डॉन के केक जो थे इनके लिए थे, 2 पैकेट अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, 2 पैकेट मैंने जेली के लिए थे, और ये कुछ ड्राई फ्रूट था, और डेरी मिल्क गार्निश करने के लिए, तो चॉकलेट भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो चले जी अब स्टार्ट करते हैं इसे बनाना, क्योंकि कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका था। सबसे पहले हम केक का लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर हम जूस ऐड करेंगे। अगर आप टिन यूज़ करें फ्रूट टिन, तो टिन में जो जूस आता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर टिन ऐड नहीं कर रहे तो आप कोई भी ऑरेंज या मैंगो जूस आप यूज़ कर सकते हैं। टिन वाला फ्रूट ऐड किया हमने, टिन का जूस ऐड किया, उसके अलावा सेवइयां और जेली,
उसके ऊपर हम कस्टर्ड का तवा लगाएंगे। आप कस्टर्ड की जो है थिकनेस वो देख सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जो है लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बनाना मैंने पहले काट के रखे थे, इस वजह से थोड़े से काले काले हो गए। और एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, फ्रेश फ्रूट का एक लेयर लगाया हमने। उसके बाद फिर से कस्टर्ड, और अब जो है ऊपर से जेली गार्निश करेंगे हम, और ड्राई फ्रूट, चॉकलेट। ड्राई फ्रूट भी आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिस्ता और बादाम लिए थे, और ऊपर से ये थोड़ा टिन वाला फ्रूट। उसके अलावा ये चॉकलेट, बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही यमी बना था। जितना दिखने में टेस्टी लग रहा है उससे ज़्यादा खाने में था। और ये सेकंड बाउल जो है वो मैंने तैयार कर रही हूँ, इसमें भी सेम प्रोसेस है। तो ये तकरीबन दो बाउल जो थे ये मैंने भाई के ऑफिस भेजे थे, और दो जो हैं वो मैंने घर के लिए रखे थे। और मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि कस्टर्ड ज़्यादा थिक ना हो और ना ज़्यादा जो है लिक्विडी हो। आप देख सकते हैं इस शेप इस कंडीशन में हो, और ऊपर से जहाँ पे मैं केक रख रही थी इसमें इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज करने के लिए, और केक जो है वो नज़र नहीं आ रहा था, तो इस वजह से इसका थोड़ा डिज़ाइन मैं चेंज कर रही थी। तो जी बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बना था, और वहाँ पे सबको अच्छा लगा, सबको पसंद आया, भाई के ऑफिस में और घर में भी सबको अच्छा लगा। अगर आपको जो है ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उसके अलावा जी जब भाई शाम को घर पर आए तो मैंने उनसे पूछा कि उनके ऑफिस वालों को ये डिश कैसा लगा, तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की उन्होंने और कहा कि सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, तो अब मुझे ट्रीट चाहिए। और यहाँ पे मैं पिक्चर्स ले रही थी इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। तो जी भाई को मैंने कहा कि मुझे ट्रीट चाहिए, तो अब हम जा रहे थे फालूदा खाने एनर्जी पे, ये न्यू ब्रांच आई थिंक खुली है कासमाबाद में, तो हम वहाँ गए थे फालूदा खाने। भाई ने आइसक्रीम कही थी, लेकिन आपको तो पता है मुझे फालूदा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने क्वेटा वाले ब्लॉग में आपको बताया था ना, इस वजह से करिए आपको तो पता है। तो मुझे जो है आइसक्रीम से ज़्यादा वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे इनकी न्यू ब्रांच खुली थी, तो बहुत ही मज़े की जो है स्वीट्स पड़े हुए थे, और आइसक्रीम भी अच्छी थी। एनर्जी वालों की वैसे ही आइसक्रीम अच्छी होती है। फालूदा भी इन लोगों का बहुत अच्छा था, और क्वेटा में भी मैंने फालूदा खाया था, वहाँ का भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और उसकी जो मज़े की बात थी ना, वो ये थी कि ऊपर से जो है काजू डले हुए थे, और काजू मेरे फेवरेट हैं, और फालूदा में इतनी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा था कि जब मैं घर पे फालूदा बनाऊँगी ना, उसमें मैं काजू ज़रूर ऐड करूँगी। तो इनका भी अच्छा था, इनका अपना टेस्ट था, उनका अपना टेस्ट था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। और उसके अलावा जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।